दोस्तों लेटेस्ट अपडेट की माने तो आपको बता दें कि टोटल 34 सेलिब्रिटीज़ को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, इन 34 सेलिब्रिटीज़ ने एक बहुत ही गंभीर नियम का उल्लंघन किया है। इसी नियम के तहत इन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 34 सेलिब्रिटीज़ में से सुरेश रैना भी थे, जो कि एक जाने माने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ सिंगर गुरु रंधावा भी थे। उनके बाद एक और एक्ट्रेस थी जो कि ऋतिक रोशन की पत्नी है, सुजैन खान, और कई सारे अन्य बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ शामिल थे इस नियम उल्लंघन में। दरअसल आपको बता दें कि इन सारे सेलिब्रिटीज़ लोगों को ड्रैगन फ्लाई पब, जो कि मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसके आसपास ये ड्रैगन फ्लाई पब है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये लोग लेट नाइट यानी कि रात के 2:30 बजे पार्टी कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि ये COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के नियम के डिसरिगार्डिंग है, यानी कि रूल्स के खिलाफ है कि रात को पार्टी करें या फिर रात को पब में आप जाएं, ताकि इसमें जो COVID-19 का नियम है सेक्शन 188, 269 एंड 34 का उल्लंघन है, और इसी के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है शहर पुलिस स्टेशन में। फाइनली इन लोगों को बेल तो मिल गई है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इतने बड़े बड़े लोग हैं तो बेल तो आराम से मिल जाएगी, लेकिन जब पुलिस ने रेड मारा तो इन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और खबरें ये भी सामने हैं कि कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ और हैं वो लोग फरार हो गए पीछे के दरवाजे से। अब दोस्तों ऐसे में कई सारे लोग जो हैं उल्लंघन कर रहे हैं अभी भी कोरोना का, और ख़ासकर सेलिब्रिटीज़ जो कि हमेशा ये कहते हैं कि कोरोना के नियम का पालन करो, ये करो वो करो, और ख़ुद जो है कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में इनके ऊपर जो है धारा तो लगा दी गई है। अब देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट में क्या निकल कर आता है। लेकिन आपको बता दें कि सुरेश रैना जो कि इंडियन बैट्समैन हैं, बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा भी अरेस्टेड हुए थे यहाँ से। तो अब इस बारे में आपका क्या है कहना कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप अप एंड फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आप लोगों को सबसे पहले। धन्यवाद।